गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, वेलकम टू क्लास जूलॉजी। प्रीवियस क्लास में हम लोग डिस्कस कर रहे थे टूल्स ऑफ जेनेटिक इंजीनियरिंग, जिसमें हमने एंजाइम्स को पढ़ा था। आज की क्लास में हम डिस्कस करेंगे व्हीकल डीएनए, जिसे वाहक डीएनए भी कहते हैं। व्हीकल डीएनए का मतलब क्या होता है, वाहक का मतलब क्या होता है? एक कोशिका से सूचनाओं को दूसरी कोशिकाओं के अंदर एंटर करवाना या ट्रांसफ़र करना, यानी फोर्जिंग डीएनए के साथ में किसी वेक्टर को जोड़ के उसका जो है ट्रांसफ़र करवाना किसी अनदर सेल्स के अंदर। तो हम इसकी डेफिनेशन पढ़ते हैं। अ वेक्टर इज़ अ डीएनए मॉलिक्यूल्स, अ वेक्टर इज़ अ डीएनए मॉलिक्यूल्स यूज्ड एज अ व्हीकल टू आर्टिफिशियली कैरी फोर्जिंग जेनेटिक मटेरियल इनटू अनदर सेल्स वेयर इट कैन बी रेप्लिकेटेड एंड एक्सप्रेस्ड। अ वेक्टर कंटेनिंग फोर्जिंग डीएनए इस टर्म रिकॉम्बिनेट डीएनए। इन्हें वेक्टर जो होते हैं वो डीएनए मॉलिक्यूल होते हैं, और इनका यूज जो है वो व्हीकल डीएनए जो कि आर्टिफिशियल होते हैं, और ये फोर्जिंग डीएनए जो है जिसके अंदर काफ़ी सारी जेनेटिक मटेरियल जो है वो प्रेजेंट है, उसको अनदर सेल के अंदर ट्रांसफ़र करना, उसे रेप्लिकेट करवाना, उसे एक्सप्रेस करवाना, ये वर्क जो होता है वो व्हीकल डीएनए का होता है। मेनली जो व्हीकल डीएनए होते हैं वो बैक्टीरिया, प्लाज्मिड, कॉज्मिड, फेजमिड एंड बैक्टीरियोफेज के रूप में प्रेजेंट रहते हैं। प्लाज्मिड आप लोगों ने सबने दे रखा है, इसका यूज़ जो है वो व्हीकल डीएनए के रूप में किया जाता है। प्लाज्मिड जो है वो स्मॉल होता है और सर्कुलर होता है, जिसके अंदर डिफरेंट क्रोमोसोमल डीएनए प्रेजेंट रहते हैं, और इसके अंदर काफ़ी सारे जेनेटिक्स मटेरियल जो है वो देखे जाते हैं। फोर्जिंग डीएनए के साथ में जब प्लाज्मिड को अटैच किया जाता है तो ये रेप्लिकेटर रीजन से क्या होता है, अटैच होता है, और ये आगे जाके मल्टीप्लिकेशन का काम करता है। जब हम इन दोनों को जोड़ते हैं तो इनके अंदर एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट फैक्टर जो है उनको भी देखा जाता है, ताकि ये जो नेक्स्ट जनरेशन या नेक्स्ट सेल के अंदर ये जब ट्रांसफ़र हो तो उनके अंदर एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस फैक्टर जो है वो प्रेजेंट रहे। यहाँ पर टू डायग्राम दे रखे हैं प्लाज्मिड एंड बैक्टीरियोफेज के, जो कि क्या है आपके व्हीकल डीएनए हैं, जो कि फोर्जिंग डीएनए के साथ में, बाह्य डीएनए के साथ में जुड़ सकते हैं। बैक्टीरियोफेज, बैक्टीरिया जो है वो जब किसी वायरस के थ्रू इन्फेक्टेड होता है तो उसे हम मेनली क्या कह देते हैं, बैक्टीरियोफेज कहते हैं। मैमल्स के अंदर जीन ट्रांसफ़र के लिए यूज़ किया जाता है सीमियन वायरस, जो कि एक बैक्टीरियोफेज होता है। इसी प्रकार कॉस्मिड जो है उसे डिस्कवर किया था कॉइंस एंड हॉर्न ने। कॉस्मिड इज़ अ टाइप ऑफ हाइब्रिड प्लाज्मिड दैट कंटेन्स अ लैम्ब्डा फेज कोस सीक्वेंस, यानी कोसाइट्स जो थी उसके साथ में जब प्लाज्मिड को ऐड कर दिया तो आपके क्या बन गया, कॉस्मिड, जैसा कि यहाँ पर डायग्राम दिखा रखा है। अ कॉस्मिड इज बेसिकली अ प्लाज्मिड दैट कैरीज अ कोसाइट। मेनली जो कॉस्मिड होता है वो बेसिकली आपके प्लाज्मिड ही होता है, लेकिन प्लाज्मिड की कोसाइट पे जब इसको ऐड कर दिया जाता है तो ये कॉस्मिड बन जाता है। इट आल्सो नीड्स अ सेलेक्टेबल मार्कर सच एज अ एम्पीसिलिन रेजिस्टेंस जीन्स। ये जो होता है एक सेलेक्टिव मार्कर्स के रूप में वर्क करता है, क्योंकि इसके अंदर एम्पीसिलिन रेजिस्टेंस जीन्स जो है वो प्रेजेंट रहते हैं। एंड प्लाज्मिड ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन, और मेनली जो प्लाज्मिड होता है वो क्या करता है, रेप्लिकेशन का जो है वो ओरिजिन करने का काम करता है। इसमें 12 बेस पेयर्स जो है वो प्रेजेंट रहते हैं, और इसकी लेंथ 5 KB होती है। वेक्टर के साथ वेक्टर में अटैच साइट ट्यूब जो है वो फेज डीएनए सेगमेंट प्लस जो है इसके साथ में प्रेजेंट रहता है, यानी वेक्टर जो है वो अटैच साइट युक्त होता है, और इसके अंदर फेज डीएनए सेगमेंट जो है वो आपस में जुड़कर एक कॉस्मिड का जो है वो फॉर्मेशन करते हैं। और इसके बारे में आप लोग बुक के अंदर डिटेल में पढ़ लेना, यहाँ पर तो मैंने आपको ब्रीफली जो है वो इंट्रोडक्शन दिया है।